फोन नेविगेशन एप्लीकेशन वगैरह सब मिल जाता है। एक्सेलरेशन का स्कोर ये यहाँ से आप पूरा ऑफ कर सकते हो। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ये है डैजलिंग सिल्वर कलर की महिंद्रा स्कॉर्पियो एप और आज आपसे मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, बिकॉज बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमको एक डिटेल वीडियो चाहिए स्कॉर्पियो इनके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। तो लीजिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ गया। सबसे पहले शुरुआत कुछ इस तरीके की होती है। अब अपन क्या करते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन से ना इसको ऑन कर लेते हैं। आज अपन आपको बताएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम स्कॉर्पियो एन का आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए देगा। इसमें आपको रेडियो, म्यूजिक, फोन नेविगेशन एप्लीकेशन वगैरह सब मिल जाता है। होम में गए तो यही होम है मेन। सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे जनरल यूनिट्स फैक्ट्री रीसेट ये चीजें मिल जाएगी। डिस्प्ले में जाओगे तो ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से नाइट ब्राइटनेस कितनी चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब आप हेडलैम्प जलाओगे तो यहाँ से पता चल जाएगा सब कुछ। जब हेडलैम्प ऑफ रहेगा तो ये ऑप्शन भी डिसेबल रहेगा, सिर्फ आपको ऊपर वाला आएगा। पावर एंड स्लीप में गए तो यहाँ पे आपको शो क्लॉक व्हेन आईवीआई सिस्टम पावर ऑफ डिस्प्लेज इनएक्टिव फॉर 60 सेकेंड शो स्क्रीन सेवर ये मिल जाएगा। और यहाँ पे आप स्क्रीन सेवर जो है अपने माई ड्राइव में डाल सकते हो, कौन सा चाहिए आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। क्लॉक टाइप में चले तो आपको डिजिटल एज वेल एज एनालॉग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे होम लेआउट में चले तो आपको यहाँ पे रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, ये रीसेट हो गया। अब यहां से बैक किया अपन ने, गए डेट और टाइम में तो यहाँ पे आपको जीपीएस से सिंक करने का ऑप्शन मिलता है तो एकदम करेक्ट एक्यूरेट डेट और टाइम आ जाएगा। टाइम जोन कौन सा चाहिए आपको वो यहाँ पे मिल जाता है, यूटीसी प्लस 5:30 अपने इंडिया का रहता है। बाकी सेट डेट वगैरह तब आएगा ऑप्शन जब आप जीपीएस ऑफ कर दोगे। ऑडियो में चले तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है 3D साउंड, तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है स्टेज, दूसरा मिलता है पार्टी, तीसरा मिलता है ब्रीजी, चौथा मिलता है 3D ऑफ कर दो और पांचवा मिलता है 3D ऑन कर दो इमर्सिव। ये सारे ऑप्शन आपको 3D साउंड में मिल जाएंगे, ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आप अपनी साउंड फील्ड पोजीशन यहाँ पे जो भी आपको करना है, अभी हमने सेंटर पे कर दी, बाकी आपको कहाँ पे करना है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। साउंड फील्ड साइज स्मॉल चाहिए कि मिड चाहिए कि लार्ज चाहिए, मतलब बहुत अच्छा सराउंड आपको साउंड सिस्टम का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगी। इक्वलाइजर में चलते हैं, बेस मिड ट्रेबल सब वूफर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। DSEE मतलब डिजिटल साउंड एनहेंसमेंट इंजन थोड़ा सा एनहेंस कर देगा। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल किस मतलब किस प्रिसीजन का चाहिए, हाई का चाहिए मिड का चाहिए लो का चाहिए वो आपको मिल जाता है। वॉल्यूम सेटिंग में आप जा सकते हो, एलेक्सा की कितनी वॉल्यूम चाहिए, फोन की कितनी चाहिए, नोटिफिकेशन की कितनी चाहिए, रिंगटोन की कितनी चाहिए, मीडिया की कितनी चाहिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी डिफॉल्ट भी आप कर सकते हो यहाँ से। तो ये हो गई अपनी ऑडियो सेटिंग की बात। टोटल सोनी की ओर से 12 आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाएंगे, 2 सीलिंग माउंटेड आगे और 2 पीछे, 1 डैशबोर्ड पे, 4 आगे वाले दरवाजों पे, 2 पीछे वाले दरवाजे पे और 1 थर्ड रूम में सबवूफर, जो मिलकर के बहुत अच्छे एक आउटपुट देते हैं। कहा जाता है सोनी इमर्सिव 3D साउंड,
वो आपको स्कॉर्पियो एंड Z8 लग्जरी में टॉप मॉडल में मिलता है। अब आ जाते हैं अपन एलेक्सा पे। अभी इसमें एक्टिवेट नहीं बिकॉज गाड़ी डिलीवरी के लिए है। फोन में गए तो फोन में आपको ब्लूटूथ इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। टर्निंग ब्लूटूथ ऑफ, ऑन कर दिया यहाँ से। डिवाइस लिस्ट एक कनेक्टेड है अभी। ब्लूटूथ डिस्कवरेबिलिटी, रिंग टोन आप लगा सकते हो। SMS में जा करके आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आती है व्हीकल सेटिंग। तो यहाँ पे आपको पहला एक्सेस ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको सिलेक्टिव अनलॉक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, यहाँ से ही आप ऑन कर सकते हो। सपोज इसको ऑफ कर दिया अपन ने। अब सपोज हमने इसको अनलॉक किया तो अब क्या हुआ, ड्राइवर डोर तो अनलॉक हुआ ही, साथ ही साथ सारे डोर अनलॉक हो। यहाँ व्हीकल पे जाते हैं, सिलेक्टिव अनलॉक ऑन कर देते हैं। तो जब अनलॉक करेंगे तो ये वाला डोर अनलॉक नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा। रिफरेंस XUV 700 से लिया बिकॉज उसकी फुटेज अवेलेबल थी। कहने का मतलब ये है कि सिलेक्टिव अनलॉक एक अच्छा फीचर है। एक बार अनलॉक करते हो तो सिर्फ ड्राइवर साइड ही अनलॉक होता है, जब दूसरी बार अनलॉक करते हो तो सारे दरवाजे अनलॉक होते हैं। लॉक करोगे तो सब एक साथ ही होने। और नीचे है सर्विस मोड, अपॉन एक्टिवेशन डिसेबल द व्हीकल रिमोट फंक्शन। तो ये तो आपको अभी रखना है बिकॉज अभी गाड़ी सर्विस मोड पे है। लाइट और इल्यूमिनेशन में यहाँ पे गए तो आपको DRL ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल गया। तो ये हो गई अपनी। अब आते हैं यूजर इनपुट एंड फीडबैक में। तो आपको यहाँ से बटन टच साउंड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए खटखट हो रहा है ना, ये मैंने ऑन किया था इसलिए। और अब आप ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से। वॉइस अलर्ट जो बोलता है ना कि हैंड ब्रेक डिसएंगेज करिए, डोर खुला है, वो यहाँ से आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो ये तो हो गई सेटिंग की बात। इको सेंस लास्ट ऑप्शन बचा है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको लोकेशन ट्रैकिंग ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल देगा, सिंक विथ ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, रीसेट ट्रिप का ऑप्शन मिल जाएगा। इको सेंस मिलता है बेसिकली यहाँ पे। तो ये तो हो गई पूरी सेटिंग की बात। एक क्विक सेटिंग का भी मिलता है जिसमें आपको जो भी अपना क्विकली सेट करना है वो आप यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हो। 8 इंच का HD रेजोल्यूशन वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, वायर्ड एज वेल एज वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो विथ एप्पल कारप्ले के साथ में। एंड्रॉयड ऑटो तो आपको तुरंत मिल जाएगा बट एप्पल कारप्ले का लाइसेंस अभी पेंडिंग है, धीरे धीरे करके वो भी आपको मिल जाएगा। टच रिस्पॉन्स वाइज भी काफी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये वाला, XUV 700 से सिमिलर है। नाउ क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक तो आपको डेट यहाँ पे मिल जाएगा, ये इसका खुद का नेटवर्क शो कर रहा है बिकॉज इसमें सिम लगती है, और जब मोबाइल कनेक्ट करोगे तो एक और नेटवर्क शो करेगा सर। साउंड म्यूट है या चालू है उसका सिंबल मिल जाएगा, FM पे है तो वो मिल जाएगा, बाकी कौन सी प्रोफाइल एक्टिवेट है वो यहाँ पे दिख जाएगी। सेटिंग ये मैंने आपको बता दिया, और होम, मेन होम में जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा जो भी आपका टेम्परेचर है अभी, और अगर आप इसको टच करोगे तो आप चले जाओगे इस वाले में। ये आपका डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वाला डिस्प्ले, आपको कौन से जगह से चाहिए वेंट से वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, कितना टेम्परेचर चाहिए वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। रीसर्कुलेशन ऑन ऑफ यहाँ से भी आप कर सकते हो, डुअल आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, फैन की स्पीड यहाँ से भी प्लस माइनस कर सकते हो आप, ऑटो यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। मतलब जो कंट्रोल आपको फिजिकली बटन में दिख रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसको क्रॉस करते हैं पर। अब वीडियो रोकने के लिए खेद है पर एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं आज क्रिसमस है और न्यू ईयर आने वाला है, तो एक गिफ्ट चाहिए आपकी तरफ से। अब बोलेंगे क्या चाहिए, 20K सब्सक्राइबर्स की अगर फैमिली हो जाए हमारे YouTube चैनल पे ना बहुत मज़ा आएगा। और जैसे हम न्यू ईयर में एंटर होंगे तो हमारे 20K सब्सक्राइबर्स की फैमिली होगी। प्लीज़ यार करवा दो अपने दोस्त रिश्तेदार फैमिली, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी,
नीचे अगर करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉल्यूम कम ज्यादा करने का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट मिलेगा आपको SOS वाला, रोड साइड असिस्टेंस नेक्स्ट मिल जाएगा, वैले मोड यहां से मिल जाएगा जब आप अपनी गाड़ी वैले को देते हो पार्किंग करने के लिए, नोटिफिकेशन यहां पे दिख जाएगी, हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा ओनर्स मैनुअल के रूप में, रेडियो जाओगे तो ये देखिए आपको रेडियो की पूरी चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। माई ड्राइव में जाओगे जो भी आपने स्टोरेज में रखा होगा, यूएसबी में जाओगे तो जो आपने यूएसबी कनेक्ट करी होगी उसका मीडिया चलने लगेगा, ब्लूटूथ में जाओगे तो ब्लूटूथ अगर कनेक्ट किया होगा तो उसमें गाने वगैरह बजने लगेंगे, आईपॉड का भी ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलते, सारे यही ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए। ये बेसिकली सोर्स का एक काम करेगा ये नीचे वाला। अब ऊपर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, एप्लीकेशन फोल्डर ऐड कर सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल जो मैंने आपको पहले टच करके वो दिखाया वो भी यहाँ से आप पूरा ऑफ कर सकते हो। ओके, पहला क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, दूसरा कनेक्टेड एप्स, एड्रिनॉक्स से कनेक्टेड कार फीचर्स भी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट पेन ड्राइव वगैरह के लिए और जिससे आप सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना चाहोगे उसके लिए मिलता है, और एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट चार्जिंग के लिए मिलता है। जो आपने कनेक्ट करे हुए हैं होम में गए, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे वो शो कर देगा, माय ड्राइव एज वेल एज यूएसबी में, डाउनलोड मैनेजर जो भी आपने डाउनलोड करा होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, इको सेंस आपकी स्पीड का स्कोर, गियर चेंज करने का स्कोर, आइडलिंग का स्कोर, एक्सेलरेशन का स्कोर, ये सब बताएगा इसमें, इको सेंस समरी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ब्रेक प्रेस 0 पर किलोमीटर, स्टार्ट स्टॉप मोड ड्यूरेशन, हिस्ट्री सारी मिल जाएंगी, ट्रिप चार्ट मिल जाएगा, ट्रिप डिस्टेंस कितना है, टॉप स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड क्या था, आइडल टाइम क्या था, फ्यूल इकोनॉमी क्या था, पूरा मैप के फॉर्म में बता देगा, स्टार्ट स्टॉप मोड, गियर यूटिलाइजेशन, हार्श ब्रेकिंग करी है वो भी बता देगा, अग्रेसिव एक्सेलरेशन किया वो भी बता देगा। ओके, ये तो डाउनलोड मैनेजर की बात हो गई, इको सेंस की बात आ गई, फ्रंट व्यू कैमरा यहां से आप खोल सकते हो, तो ये आपका फ्रंट कैमरा दिखा रहा है, इसमें भी आपको डिफरेंट व्यूज मिलते हैं, पहला ये वाला व्यू, दूसरा ये वाला व्यू कट के मिल रहा है, तीसरा ये बड़ा व्यू, बड़ा छोटा करना यहां से, ये व्यू। ओके, तो ये तो हो गई फ्रंट व्यू कैमरा की बात। स्टीयरिंग व्हील अडैप्टिव डायनेमिक गाइडलाइंस इसमें मिलती है, बाकी यहीं से आप फोटो भी खींच सकते हो। एक्टिव पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले भी बगल में आता है जो बताता है कि कौन से जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है रेड कलर से। तो फ्रंट व्यू कैमरा की बात हो गई, नेक्स्ट है गैलरी, आपने जो भी फोटो वगैरह खींची है वो यहाँ पे आपको शो कर देगी, ये आपकी शो कर दी, जो भी आपने वीडियो वगैरह बनाई यूएसबी फोटो सब यहाँ पे शो कर देगा। हॉरोस्कोप ये एप्लीकेशन है, एक बोगस ही है बेसिकली, जस्ट डायल, सिम लगाने के बाद ही काम करता है। माई ड्राइव मैनेजर, सॉन्ग्स, वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा देगा। बेसिकली ये फाइल मैनेजर है जैसे एंड्रॉइड फोन में होता है ना। माई एसयूवी इन्फो, ये चीजें बता देगा आपका व्हीकल का नाम क्या है, कलर, PUC, एक्सपायरी डेट, ये सब आप इसमें लिख सकते हो, रख सकते हो। इसके अलावा माय डॉक्यूमेंट्स में भी आप इसमें चीजें रख सकते हो, PUC, इंश्योरेंस लाइसेंस, RC, तो ये चीजें एक आपको कन्वीनियंस पहुंचा देता है। बाकी न्यूज अपडेट इंडिया टुडे की तरफ से आपको मिल जाता है यहाँ पे,
जो सिम के बारे में यूज होगा, ओनर्स मैनुअल अभी काम नहीं करेगी बिकॉज गाड़ी डिलीवरी के लिए है तो पीडीआई नहीं हुई अभी। नेक्स्ट है आपका रिवर्स व्यू कैमरा, तो ये आपको रिवर्स व्यू कैमरा में भी डिफरेंट एंगल्स मिल जाते हैं। ये आपको पार्किंग असिस्ट मिलता है, कैसे आप पार्क करोगे तो अच्छे से पार्क हो जाएगी। ओके, बड़ा करने का ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है, मैनुअली अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो वो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। टिकट ऐप, ये भी एक ऐप ही है बेसिकली। ट्रेवल एक्सप्लोर, ये भी एक ऐप है। यूजर प्रोफाइल, आपने कैसा टेम्परेचर प्रोफाइल में रखा है वन में, कैसा ऑडियो सोर्स रखा है, कैसा ऑडियो रखा है, कैसा स्क्रीन सेवर रखा है, वो चीज यहाँ पे कर सकते हो डिफरेंट प्रोफाइल के हिसाब से। और फिर वो रिमेम्बर रखता है कि इतना टेम्परेचर डुअल जोन में उनको चाहिए, प्रोफाइल वन को या प्रोफाइल टू को, आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। अभी गेस्ट पे है तो प्रोफाइल क्लाइमेट सेटिंग आपको असाइन करना है तो आपने इसको ऑन कर दिया, ऑडियो सोर्स असाइन करना है तो इसको ऑन कर दिया, स्क्रीन सेवर असाइन करना है तो इसको कर दिया, सेव और अप्लाई कर दोगे ऊपर। वेदर अपडेट, एक्यू वेदर इसमें भी आपको मिल जाता है, लेकिन ये सब सिम लगाने के बाद काम करेगा। वॉट थ्री वर्ड्स इसमें भी आपको मिल जाता है, जो टाटा और महिंद्रा की टेक्नोलॉजी है। और जोमैटो यहाँ पे मिल रहा है, वॉट थ्री वर्ड में जाओ, इसके अलावा यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। तो नीचे आपको डिफरेंट ऐप्स मिल जाते हैं और ऊपर जब स्लाइड करोगे तो सोर्स मिल जाएगा, बाकी इमरजेंसी के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और वॉल्यूम कम ज्यादा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से होम में गए तो ये रेडियो, यहाँ से भी आप खोल सकते हो डायरेक्टली, प्रीसेट्स भी रख सकते हो और डिफरेंट स्टेशन में आप वो भी कर सकते हो, यहाँ से ट्यून भी कर सकते हो। म्यूजिक, फोन, नेविगेशन, नेविगेशन बहुत बहुत अच्छा दिया है इसमें, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिव है। आपको जहां पे भी जाना हो ना, आप इसमें लोकेशन डाल दो नेविगेट टू करके और आपको ये बढ़िया लोकेशन बता देगा। ओके, होम में गए, बाकी यहां से भी आप डायरेक्टली एप्लीकेशन खोल सकते हो। ओके, तो ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो स्कॉर्पियो एन में आपको मिलता है। कुछ चीजें जैसे यहां पे भी आपको अच्छी मिल जाती हैं, ड्राइवर अटेंशन लेवल, ट्रिप ए ट्रिप बी, टाइम कितना है, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो आप यहां पे भी देख सकते हो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर टेम्परेचर, पावर टॉर्क, इस वाली बटन से आप जा सकते हो। इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी काफी इन्फॉर्मेटिव है। नेविगेशन वाला पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है बिकॉज जो आप इसमें सेट करोगे ना रूट, नेविगेशन में जाकर के स्टार्ट, इसमें भी शो कर देगा। तो ये चीज आपको काफी कन्वीनियंस लगेगा, आपके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में भी दिखेगा। स्टॉप कर दिया हमने, है ना। और ये सेटिंग, सेटिंग के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, टायर फिल असिस्ट वगैरह सब मिल जाता है, ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइवर इन्फो, डिजिटल स्पीड, है ना, व्हीकल इन्फो।
तो इन्फॉर्मेशन इस पे भी मिल जाती है, इसमें भी मिल जाती है। ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपको स्कॉर्पियो एन में मिलता है। तो अब इसको ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे अब बोलेगा गुड बाय। चाबी कुछ इस तरीके की दी है, बाकी जैसे कि ये जो है डीजल वाला वेरिएंट है ना, तो इसमें ये ड्राइव मोड्स में मिलते हैं। और ये देखिए चेक टायर डायरेक्शन, जैप बाय डिफॉल्ट रहता है। नेक्स्ट है जूम, ये जूम एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट है जिप, सिर्फ आपको इसको उस मोड पे ले जाके छोड़ देना तो वो एक्टिवेट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये जूम जैप में ही रहता है। तो ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का। बाकी आप बताओ, और कोई जानकारी चाहिए थी इससे तो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।